हेलो गाइज, आज हम रिव्यू करेंगे और एक लेंस एडकॉम की तरफ से, जो कि है ये एडकॉम का 80mm टेलीफोटो लेंस, पोर्ट्रेट लेंस, टेली लेंस, जूम लेंस, जो भी हो आप बोल सकते हैं इसको। चारों लेंसेस हम आज कंपेयर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। चारों का कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि चारों में से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको अनबॉक्सिंग करने में। ये बस एक पेपर का कवर है, पेपर का कवर से ऐसा एक टाइप का वाइट लिटिल बिट हार्ड कवर आता है। हार्ड कवर के अंदर आता है आपका, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ऐसा टाइप का एक बहुत ब्यूटीफुल बैग आता है जिसमें एडकॉम लिखा है। आपका जो बैग के अंदर मिलता है लेंस, क्लिप, क्लीनिंग क्लॉथ और एक CPL फिल्टर भी है। पता नहीं CPL फिल्टर क्या कर रहा है इसके अंदर, CPL फिल्टर भी दे रहे हैं वो लोग, अच्छी बात है। और एक आपको जो बिना काम वाला एक क्या बोलते हैं, लोटस डिजाइन वाला एक हुड मिलता है। ठीक है, ये लेंस प्रोटेक्टेड है आपका दोनों साइड से, दोनों साइड में प्लास्टिक का कैप है, एक प्लास्टिक का कैप है फ्रंट में है, जिसको आप जो DSLR का कैप जैसा ऐसे दबा के निकल सकते हैं, ऐसे लिटिल बिट दबा के अब इसको निकल सकते हैं। और जो पीछे का कैप है वो नॉर्मली खुल जाता है ऐसे खींचने से, तो दो प्लास्टिक कैप से फ्रंट में और बैक में। बहुत अच्छा आपका लेंस का बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि ये मेटल से बनाया गया है और बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। और फ्रंट का ग्लास भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का मुझे लग रहा है। पर क्लिप आपको पता ही होगा, ये क्लिप जो है यूनिवर्सल क्लिप है और इसको आप कहीं पे भी कोई भी फ़ोन में लगा सकते हैं। खोलने में इतना परेशानी हो रहा है, ये पूरा इसके साथ, ये सोल के साथ लटक गया है। मोबाइल का मेन कैमरा में क्लिप कीजिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, चलिए चलते हैं छत के ऊपर और एज यूजुअल हमारा टेस्टिंग शुरू करते हैं इस लेंस का। इसको टेस्ट करेंगे, प्लस इसके साथ बाकी तीन लेंसेस भी टेस्ट करेंगे। एक है आपका एडकॉम का जो 60mm लेंस था, जो लास्ट वीक रिव्यू किया था, कासे का 65mm, एपेक्सल का 60mm। तो ये चारों लेंसेस हम देखेंगे, मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है, बैकग्राउंड ब्लर कितना होता है, कौन किस में पोर्ट्रेट शॉट्स बढ़िया आते हैं, जिसमें ज़्यादा डिटेल्स आते हैं। वैसे हम 60mm लगा के देखे थे जो एडकॉम का, वो बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो चलिए ऊपर शुरू करते हैं टेस्टिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है एडकॉम का 80mm लेंस का आउटपुट। देख पा रहे होंगे ब्यूटीफुल बैकग्राउंड तो है और मेरा फेस पूरा शार्प है, तो बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है। जैसे कि आपका 60mm से आ रहा था एडकॉम का, मुझे लग रहा है सिमिलर टाइप का ही आउटपुट है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम ये सबको एक बार कंपेयर कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि चारों लेंसेस में से कौन सा वाला बेटर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एडकॉम का जो थोड़ा सा जूमिंग है थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 0.5x ऐसा कुछ ज़्यादा होगा, और एपेक्सल का जो 60mm लेंस है वो उसका मैग्निफिकेशन सबसे कम है। लेकिन आपका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो मुझे लग रहा है कासे लेंस का थोड़ा सा ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर है अमंग ऑल अदर लेंसेस। बाकी चारों में से मुझे नहीं लग रहा है किसी में भी क्वालिटी का प्रॉब्लम है या फिर शार्पनेस का प्रॉब्लम है, मुझे चारों सेम शार्पनेस का लग रहे हैं। ये है आपका फ़ोटो एंड देख लीजिए शार्पनेस कितना है और बैकग्राउंड ब्लर कितना है। अगर मैं फ़ोटो मोड में जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा साइड में ब्लैक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, चारों साइड में देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। वैसे मैंने बहुत ट्राई किया उसको रिमूव करने के लिए, लेकिन रिमूव नहीं हुआ। जैसे कि इस वाला फ़ोटो में आप देख सकते हैं, चारों तरफ में थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, और देख सकते हैं राइट साइड में भी आपका जो एज है वो इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ब्लरी है, हेजी है। तो मेरे हिसाब से अभी भी कासे 65mm बेस्ट है, और आपका 80mm का तो बिल्कुल ही मत लीजिए, और 60mm का ठीक ठाक है, आप उसे ले सकते हैं। तो आपने रिव्यू देख लिया, कंपैरिजन देख लिया इस लेंस का बाकी तीनों लेंसेस से, तो मुझे अभी बताइए कि आपको ये चारों लेंसेस में से कौन सा वाला पोर्ट्रेट वाला लेंस बहुत अच्छा लगा और क्यों, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।